दोस्तों फेसबुक अकाउंट बनाते समय हम अपने अकाउंट में कोई भी ईमेल आईडी ऐड कर देते हैं अपनी फ्रेंड का या फिर अपनी फैमिली मेंबर का। तो दोस्तों आपके साथ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं उस ईमेल आईडी को चेंज करना, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि फेसबुक में अपना ईमेल आईडी को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को। और दोस्तों फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद अगर आपका फेसबुक ऐप अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले इसे अपडेट कर लीजिएगा। और अपडेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर से यहाँ पे ड्रॉप डाउन होके एक मेनू खुलता है सेटिंग्स का, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे ये अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो आपको जाना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे रहता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप अपने ईमेल आईडी में मोबाइल नंबर लिंक किए होंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर न लिंक करके अपना ईमेल आईडी लिंक किया हूँ, तो हम यहाँ पे इस ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऐड ईमेल एड्रेस पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपना नया वाला ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा। ईमेल आईडी इंटर कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे ऐड ईमेल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऐड ईमेल पे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कंफर्म, यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। तो आपकी इस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी डालने के बाद ही ये ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। तो यहाँ से इसे हम कट कर देते हैं और चलते हैं हम अपने जीमेल में, और एक बार यहाँ से हम अपने जीमेल आईडी को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये फेसबुक का ओटीपी है, इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये OTP है, आप इस OTP को डाल के भी कंफर्म कर सकते हैं। बाय द वे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कंफर्म पे, तो ये फेसबुक ऑटो वेरीफाई कर लेता है। तो यहाँ से हम इस OTP को फेसबुक में इंटर करेंगे। यहाँ पे OTP इंटर कर देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कंफर्म। तो यहाँ से अब आपका ये ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप इस ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेक प्राइमरी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मेक प्राइमरी पे। तो अब ये आपकी ईमेल आईडी प्राइमरी ईमेल आईडी हो जाती है फेसबुक का। और यहाँ से हम आते हैं बैक, और आप इस ईमेल आईडी पे अब क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिमूव, और इसके बाद हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं इसे रिमूव, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम ओके पे अगर क्लिक करते हैं तो अब ये हमारी ईमेल आईडी यहाँ से हट जाती है और ये ईमेल आईडी हमारी प्राइमरी ईमेल आईडी हो जाती है। जैसे यहाँ से हम अगर आते हैं बैक, एकदम से हम आते हैं बैक, और यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे, तो वो हमारी ईमेल आईडी यहाँ से हट चुकी है, डिलीट हो चुकी है। दोस्तों अब आप अपने फेसबुक अकाउंट में जब भी लॉगिन कीजिएगा तो आपको इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।